हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्यूटी बाइट्स। और मैं हूँ अंजलि। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ समर स्किन केयर डे रूटीन। और ये जो रूटीन है गाइस, इसके लिए जो प्रोडक्ट्स मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगी वन बाय वन, इन सबका मैं बाय लिंक परचेज लिंक शेयर कर दूंगी। आप जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके चेक कर लेना। और ये जिस कोई सा भी स्किन टोन हो आपका, चाहे आपकी ऑयली स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, ड्राई स्किन हो, सबके लिए एप्लीकेबल है। चाहे आप हाउसवाइफ हो, चाहे आप वर्किंग वूमेन हो, आप ये वाला स्किन केयर रूटीन जो है फॉलो कर सकती हैं। सो फ्रेंड्स, विंटर्स में हमारे प्रोडक्ट अलग हो जाते हैं, इसलिए ये विंटर के लिए नहीं है, ये सिर्फ समर्स के लिए डे स्किन केयर रूटीन मैं अपना शेयर कर रही हूँ। सो फ्रेंड्स, गर्मियाँ, जैसे कि आपको पता है, गर्मी में बहुत सारी हमें स्किन प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो बहुत ही क्विक स्किन केयर है ये। और अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो आपको आपकी स्किन में कोई भी प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। और आपका तो गाइस, अगर आप ये स्किन केयर रूटीन फॉलो करती हैं, जो कि बहुत क्विक है, बहुत फास्ट है, तो आप अपने चेहरे को बचा सकती हैं, अपनी स्किन को बचा सकती हैं, अपनी स्किन की केयर कर सकती हैं, जिससे आपका फेस रहेगा ग्लोइंग और रेडियंट। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले जब हम तैयार होते हैं तो हम सबसे पहले अपना फेस वॉश करते हैं। तो यहाँ पे मैं हिमालय का फेस वॉश यूज़ करती हूँ अपनी स्किन को वॉश करने के लिए, अच्छे से क्लीन करने के लिए। तो गाइज़, मैंने फेस वॉश कर लिया है, अच्छे से टैप ड्राई कर लिया है। और जब हम फेस वॉश कर लेते हैं तो उसके बाद हमें अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ पे मैं बायोटिक का मॉर्निंग नेक्टेयर मॉइस्चराइज़र लोशन जो है अप्लाई करूँगी अपनी स्किन पे। ये हमारी स्किन को, हमारी ड्राई स्किन को मॉइस्चराइज रखता है और हाइड्रेट रखता है पूरे दिन। उसको हमने अच्छे से अप्लाई कर लेना है अंटिल ये हमारी स्किन में अच्छे से अब्जॉर्ब ना हो जाए। सो गाइस, आपको दिख रहा होगा कि मॉइस्चराइज़र लगाने के तुरंत बाद स्किन में ग्लो आ गया है। तो ये मॉइस्चराइज़र बहुत ही अच्छा है, आप इसको यूज़ करें। और आप, ये हर्बल प्रोडक्ट भी है, कोई केमिकल वगैरह नहीं है, तो ये हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। यहाँ पे मैं एक चीज़ बता दूँ गाइस, अगर आपका फेस है ऑयली तो आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई ना करके कोई सा भी एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं पतंजलि का एलोवेरा जेल यूज़ करने की आपको एडवाइस करूँगी, बहुत अच्छा एलोवेरा जेल है और आपकी स्किन को ऑयली होने से भी बचाता है। तो अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप मॉर्निंग में मॉइस्चराइज़र ना लगा के फेस पे सिर्फ एलोवेरा जेल अप्लाई कर सकते हैं एज अ मॉइस्चराइज़र। अब मुझे 2 मिनट हो चुके हैं मॉइस्चराइज़र अप्लाई करे हुए अपने फेस पे। अब मैं अप्लाई करूँगी सनस्क्रीन। सनस्क्रीन बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, आप चाहे घर पे हो चाहे बाहर जा रहे हो, सनस्क्रीन हमेशा आप अपने फेस पे अप्लाई करें। तो ये हमारे फेस को डार्क होने से बचाता है और यूवी रेज जो पड़ती हैं, टैनिंग, हमारे फेस पर टैनिंग हो जाता है हमारा चेहरा, तो उससे भी हमको बचाता है। तो यहाँ पर मैं सेंट बोटेनिका का विटामिन सी SPF 75 ड्राई टच सनस्क्रीन यूज़ करूँगी। ये सनस्क्रीन बहुत अच्छा है, बहुत इफ़ेक्टिव है और इसमें विटामिन सी भी इन्होंने मिलाया हुआ है, तो हमारे फेस में जो डार्क स्पॉट्स होते हैं वो धीरे धीरे रिड्यूस हो जाते हैं जब हम इसको अप्लाई करेंगे। तो सनस्क्रीन जब भी आप अप्लाई करें अपने फेस पे, अच्छे से उसको लगाएं। सो गाइज, अगेन 2 मिनट्स हो चुके हैं मेरे को सनस्क्रीन लगाए हुए। सनस्क्रीन बहुत अच्छी है गाइज, और इसमें पैराबेंड और सल्फेट फ्री सनस्क्रीन है और नो सल्फेट्स
नो पैराबेंस, नो मिनरल ऑयल, तो ये सनस्क्रीन बहुत मुझे अच्छी लगती है। और इसको आप हाथों पे भी लगा सकते हैं, और जहाँ पर आपका स्किन डायरेक्टली धूप के उसमें आता है तो आप वहाँ पे ये वाली सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। बहुत इफेक्टिव है, बहुत अच्छी सनस्क्रीन है, तो मेरी बेस्ट सनस्क्रीन है। और सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि इस सनस्क्रीन के अंदर विटामिन सी भी डाला हुआ है, जो कि हमारे फेस के डार्क स्पॉट्स को रिड्यूस करता है। सो गाइज, नेक्स्ट प्रोडक्ट जो हम अप्लाई करेंगे अपनी स्किन केयर में डे के लिए, वो है लिप बाम। यहाँ पे मैं बेबी लिप्स ब्लूम लिप बाम यूज़ कर रही हूँ। ये लिप बाम बहुत अच्छा है गाइस, हल्का सा टिंट छोड़ता है आपके लिप्स पे, तो एक नेचुरल कलर आपको दिखाई देगा, ये देखिए। और बहुत ज़्यादा अच्छा है, लॉन्ग लास्टिंग है, लॉन्ग लास्टिंग काफ़ी अच्छा है। पानी पिए हैं, कुछ भी खाएं पिए हैं, तो ये लिप्स में लगा रहता है। तो ये प्रोडक्ट भी मुझे बहुत अच्छा लगता है, अपनी स्किन केयर रूटीन में आप इस वाले प्रोडक्ट को शामिल कर सकते हैं। अगर आपको ये वाला बेबी लिप मैबलिन का है, लिप्स नहीं यूज़ करना है एज अ लिप बाम, तो आप कोई सा भी लिप बाम अपने प्रोडक्ट्स अपने स्किन केयर में डे केयर डे स्किन केयर में रूटीन में शामिल कर सकते हैं लिप बाम। सो गाइज, लिप बाम में और भी ऑप्शन आपको मिलेंगे जिसमें SPF होता है, तो अगर आपके जो लिप्स हैं वो डार्क हैं थोड़ा सा, तो SPF वाला लिप बाम भी यूज़ कर सकते हैं। सो गाइज, ये बहुत ही सिंपल सा इजी क्विक डे स्किन केयर रूटीन था समर्स के लिए। और अगर आपके फेस पे ब्लैक हेड्स या वाइट हेड्स की प्रॉब्लम अगर आप बहुत ज़्यादा फेस करते हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि आफ्टर फेस वॉश आप बायोटिक का ये वाला स्क्रब जो है बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब यूज़ कर सकते हैं। ये स्क्रब ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स को एक ही जब एक ही बार में अच्छे से रिमूव कर देता है। वन स्ट्रोक काफ़ी है इसका। आपने इसको अप्लाई करना है पूरे फेस पे, डॉट डॉट लगा के इसको लगा लेना है, और उसके बाद 30-40 सेकेंड हल्के हाथों से इसको स्क्रब करना है। तो अगर आपको वाइट हेड्स या ब्लैक हेड्स की प्रॉब्लम है, तो आफ्टर फेस वॉश आप बायोटिक का ये वाला जो बायो पपाया रिवाइटलाइजिंग टैन रिमूवल स्क्रब है, ये भी यूज़ कर सकते हैं, इसको अपने डे स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, ये था मेरा डे समर स्किन केयर रूटीन, और जो कि बहुत ज़्यादा इजी था। और अगर हम इसको डेली डेली इसको अप्लाई करें, डेली डेली अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, तो हम जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है ना, जैसे एक्ने पिंपल की प्रॉब्लम हो जाती है, सन टैनिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स हो जाते हैं, फेस पे डार्क स्पॉट्स पड़ जाते हैं गर्मियों में खासकर, तो उनसे बचा जा सकता है। और मैंने अपना जो समर स्किन केयर रूटीन था वो कंप्लीट कर लिया है, और आई होप आपको पसंद आया होगा। और नेक्स्ट वीडियो आएगी गाइज, उसमें मैं अपना नाइट स्किन केयर रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। सो गाइज, अगर आपको मेरी वीडियो हेल्पफुल लगी तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।